हेलो गाइस, मैं आज आपको एक चीज़ समझाने वाला हूँ, क्योंकि भाई आज सर्दी ज़्यादा है। तो गाइस मैंने इसीलिए मैंने कहा, एक कमेंट आया था हमारे पास, मैंने जैकेट पहन रखी है गाइस। तो आज सर्दी ज़्यादा है और गाइस मेरे पास एक मैंने वीडियो बनाई थी मोबाइल प्रॉब्लम के लिए कि 100% प्रॉब्लम सॉल्व। तो उसको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट मैंने करने के लिए बोला था, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को बता सकते हो, क्योंकि मेरा वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आप अपनी प्रॉब्लम मुझे बताओ और हम वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो उसके बगले में बहुत सारे कमेंट आए, मैं पढ़ के बताता हूँ आपको। भाई साहब ने लिखा हुआ है कि हमारा फ़ोन ना स्लो चार्ज होता है और उस फ़ोन को 1 साल हो चुके हैं। वो उन्होंने बोला कि हमारा मोबाइल 1 साल पुराना हो गया है तो वो हैंग बहुत करता है गाइस। तो हैंग के लिए मैंने उनको सबसे पहले उनको मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपका 1 साल पुराना फ़ोन हो चुका है तो आप अपना एक तो जैक देख लीजिए, उसमें अगर जैक में ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम आ गई हो ना, जैसे बूस्टर वगैरह कुछ प्रॉब्लम है, तो उसको एक बार आप साफ़ कर लेना। फिर उसके बाद आप अगर उसमें जो चार्जर आपको नया मिला हुआ है वो मिला होगा आपको 2 एम्पियर का, तो ध्यान रखना 2 एम्पियर का चार्जर मिला होगा। तो गाइस मेरे पास एक चार्जर है, मैं आपको ये दिखाता हूँ। इसमें क्या है, आप ये वाला चार्जर लगाओ, चाहे वो कंपनी कोई भी हो, ये ध्यान करना कंपनी कोई भी हो, पर आपका चार्जर थोड़ा है अच्छी कंपनी का ही होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। पर उसमें कम से कम 2.5 एम्पियर 2.4 तो कम से कम होना ही चाहिए। तो ये क्या होता है, 2 से ऊपर ही रहता है, नीचे नहीं है। तो गाइस जब 2 से ऊपर रहेगा तो उसमें क्या है, जो चार्जिंग आएगी वो थोड़ा फास्ट आएगी। और मेरे हिसाब से वैसे देखो इस टाइप का है हमारा, तो ये मेरे हिसाब से आपकी प्रॉब्लम ज़्यादा से ज़्यादा वो सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि ये 2.5 एम्पियर में चार्जर है, इसको 2.5 एम्पियर ही बोलते हैं, ऐसे 2 से ऊपर ही रहता है। तो अगर आप कोई भी एक चार्जर लेते हो, थोड़ा सा कंपनी अपने हिसाब से आप सर्च कर लेना और जैक को थोड़ा साफ सूफ करके हिसाब से, फिर उसके बाद आप चार्जर दूसरा लगाना। मेरे हिसाब से आपका फ़ोन 1.25 घंटे के अंदर अंदर में फुल चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम जब आती है, जब काफ़ी टाइम से आप चार्जर लगा के रखते हैं और उसमें ऐसा लगता है कि जैसे यार पता नहीं क्यों पूरी रात लगा के रखते हैं, चार्जिंग हो नहीं रही, तो उसमें क्या होता है, अपने घर में कोई और चीज़ और लोग होते हैं उनका भी चार्जिंग कर देते हैं या कुछ वैसे प्रॉब्लम होती है, तो वो क्या होता है, इसकी जो पिन होती है ना वो मुड़ जाती है। तो इस वजह से आपके अपने में तो सेट नहीं होता, सामने वाले के में सेट हो जाता है। तो गाइस अपना ही नहीं चार्ज होता, दूसरे का तो हो जाता है। तो गाइस किसी को पहले तो अपना चार्जर मत दिया करो, और दूसरा चीज़ जो मैंने अभी आपको बताई वो प्रॉब्लम आप कर लो, तो आपका ये मोबाइल बिल्कुल ओके फर्स्ट क्लास चार्ज होगा। अगर उसके बाद भी कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उसी टाइम आपको रिप्लाई करूँगा और आपसे संपर्क करूँगा, फिर कायदा फ़ोन पर भी बात कर लूँगा अगर आप वैसे करोगे तो। तो आप गाइस हमें ज़रूर बताना प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं हुई, तो ऐसी जानकारी आपको मिलती रहेंगी। जो कोई कुछ पूछेगा जब ही तो हम कुछ बताएंगे, अब कोई कुछ पूछेगा नहीं तो मैं वीडियो किस चीज़ की बनाऊंगा। मेरे को वीडियो में कुछ पता भी तो होना चाहिए कि किस चीज़ की वीडियो बनानी है। अब मैं अपने आप से वीडियो तो मेरे को समझ ही नहीं आता है, कैसे वीडियो बनानी है, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गाइस अब खुद बताओ आपको क्या प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने के लिए ही वीडियो बनाते हैं। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लो, और वीडियो जो भी आएगी आपको भी मिलती रहेगी, साथ में उस बंदे को भी मिलेगी जो इसको फॉलो कर रहा है, समझ रहा है कि ये चीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है। किसी भी चीज़ को लेके प्रॉब्लम बोल रहा है आप, ये नहीं है कि एक ही चीज़ को आपने बोल दिया कि ठीक है जी इस 100% प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बैठे हैं। 100% कोई भी प्रॉब्लम हो आपकी 100% प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, किसी भी चीज़ को लेके हो। तो थैंक यू गाइस, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करो, थैंक यू, धन्यवाद।